गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मानिस्टेन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेवन वालों के लिए एक्सरसाइज 3.2 मैथ्स में आगे बढ़े मानिस्टेन। पहले हम बता दें ये एक्सपोनेंट चैप्टर है, पहले ये सेवन फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। अगर जब तक आपको सेवन फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनके पास बुक है ये फॉर्मूले बुक्स में भी है, तो चाहे वो बुक से फॉर्मूला देखिए चाहे वीडियो के माध्यम से देखिए, कोई बात नहीं। जिनके पास बुक हो तो बुक में फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं मैं वीडियो के माध्यम से फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको पोज करके फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा फिर पे, तब बाकी क्वेश्चन आगे लगाने की कोशिश करिएगा। और जिनके पास बुक है वो भी चाहे दिखना चाहे देखिए चाहे नहीं है, देखिए पहले फॉर्मूला समझिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बेस सेम है तो इनटू में पावर का प्लस होता है, अगर नीचे वाला बेस होता है ऊपर वाला पावर, नीचे वाले को बेस बोलते हैं ऊपर वाला पावर। अगर बेस सेम है तो इन डिवीजन में माइनस होगा पावर का, ठीक है, इनटू में प्लस डिवीजन में पावर माइनस। अब अगर यही बेस अलग है, ए बी बेस अलग है, पावर सेम है तो पावर जो सेम है सेम रखेंगे, बेस का इनटू कर देंगे, यही डिवीजन में पावर सेम रखेंगे बेस का डिवीजन कर देंगे। कोई भी बेस से पावर जीरो उसका वैल्यू वन होता है, यानी नीचे कुछ भी हो अगर पावर जीरो वैल्यू वन, कोई भी बेस का पावर हो एम, मान लो उस पूरे का पावर एम, तो पावर का पावर में इनटू हो जाता है ए टू द पावर एम इनटू, ओके मैडम। और नीचे अगर बेस का पावर माइनस एम हो तो नीचे जाएगा वन अपान में पावर प्लस हो जाएगा, ओके ओके। ये सेवन फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेंगे, अगर आपको सेवन फॉर्मूले लर्न हो जाएगा तभी मानूंगा क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये सेवन फॉर्मूले क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तभी बाकी इस चैप्टर का क्वेश्चन लगेंगे। और अगर आप ये बात समझ गए तो मैं मानूंगा एक्सरसाइज 3.2 खत्म, थ्योरेटिकली खत्म, अपरेटली लगा। आइए तो आइए एक्सरसाइज आगे बढ़ते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाइंग एक्सपेरिमेंट। देखिए नीचे वाला बेस 5 है तो बेस सेम है तो इनटू में क्या करते हैं पावर प्लस। वैसे आप फॉर्मूला दिखता के करिए, एग्जाम में नहीं देखेंगे लेकिन लगाने से पहले फॉर्मूला दिखता करिए। बेस सेम है तो इनटू में पावर प्लस, तो पावर 6 प्लस 4 10 हो गया, ओके मर्चेंट। अब इसमें बेस सेम है तो इनटू में पावर प्लस, 7 प्लस 1 2 पावर। आप चाहे इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं 5 × 5 × 10 टाइम, कर भी देंगे तो अच्छा, नहीं भी करेंगे तो यही आंसर छोड़ तो भी चले, लेकिन बुक में यही आंसर दिया तो अब यही लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी तरह बाकी सीडी पार्ट होमवर्क कर लीजिएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए ए के पावर 9, 1 का पावर कितनी बार पढ़े 1 ही आएगा, किसी भी बेस का पावर 0 1, 3 के पावर 5 तो 3 का पावर 3 × 3 × 5 243, 2 × 4 इनटू करेंगे 972, ओके मैं से। आइए बी पार्ट, किसी भी बेस का पावर 0 1, ये कौन सा फॉर्मूला लेगा एक, जो किसी भी बेस का पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी बेस का पावर 0 वैल्यू 1, ठीक है, और किसी बेस का पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस प्लस 1 कट गया 1, इसका आंसर क्या 1, ठीक है मैडम से। आइए सिंप्लीफाई, 2 के पावर 3 इंटू ए के पावर क्यू प्लस 5 क्यू। तो देखिए 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 4 × 8 3 टाइम ए क्यू, आप रफ पे गुणा करके देख सकते हैं 2 × 3 टाइम 2 × 2 × 2 कितना आ रहा है, ठीक है आप करना सीख चुके हैं। एक बार 5 का क्यूब 3 × 5 × 5 × 5 125, ए के पावर 5, ए के पावर 4। अब नंबर का नंबर में इंटू करेंगे, वेरिएबल का वेरिएबल में, 8 × 125 = 1000 और ए के पावर 3, ए के पावर 4 बेस सेम है तो इंटू पावर प्लस 437। अब इसको चाहिए आंसर लिखिए चाहिए, लेकिन बुक में अगर ये दिया ये, क्योंकि 1000 को क्या लिख सकते 10 × 10 × 3 यानी 10³ लिख सकते, तो ये भी आंसर लिखिए चाहिए, ये भी सही है लेकिन बुक में अगर ये दिया ये, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पढ़ते हैं, 3 × 7² × 11³ 8 / 21 × 11³। तो देखिए 37 जा काट दीजिए, 7² 7, तो सेम बेस वाले को पहले एक पार दिखिए, 7² / 7 × 11³ 8 / 11³ 3। देखिए बेस सेम है तो डिवीजन में पावर क्या होता है माइनस, 2 में से 1 गया 1, 8 में से गया 3 5, तो 7² 1 लिखिए चाहे मत लिखिए छिपता है, फिर 11² 5 या तो आंसर ये लिखिए या 11² 5 बार लिख के गुणा भाग कर तो भी, तो यही आंसर छिखिए बुक में ये लिखा, ठीक है। तो जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया सेम टू सेम इसी तरह पहले फेयर पे आप उतार लेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। और अगर किसी को डाउट होगा तो पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट में, और लगाने से पहले ये फॉर्मूला एक जगह पहले लिख लीजिएगा और लगाने से पहले ये फॉर्मूला पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह होमवर्क लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व, ओके मैडम। तो लीजिए एक्सरसाइज 3.2 का पहले का मैंने ए बी बता दिया, इसी तरह सी डी ई एफ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए बी मैंने बताया जैसे सी डी ई एफ कर लीजिएगा। थर्ड का ए बी मैंने बताया जैसे सी डी ई एफ, सेम टू सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ओके मैडम। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते, और अगर विषय जी, और मैं आपको एडवांस होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 लगाइएगा लगाने।
आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आपसे जब भी क्वेश्चन 4-5 स्टार्ट करेंगे हाँ। और इसी के साथ कल आपका भी एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म हो जाएगा। मैं से जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी बार क्वेश्चन बुक से लगाएंगे, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं पाए मैंने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, वीडियो पाउच करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते। और अगर ओके मैडम से गुड मॉर्निंग विश वेल बेस्ट सी यू टुमारो विथ टुमारो सो वंस अगेन जाएंगे।